जयपुर में ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डालने की प्लानिंग करने वाले बदमाशों ने एक बड़ा प्लान बनाया था। प्लानिंग के तहत आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर शोरूम में मौजूद ज्वेलर्स सहित अन्य लोगों को बंधक बनाना था। उसके बाद विरोध करने पर मुंह में कपड़ा ठूस कर मर्डर तक का प्लान बनाया गया था। हालांकि बट्टा बस्ती थाना पुलिस ने डकैती डालने से पहले ही हथियारबंद पांचों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने डकैतों के कब्जे से अवैध हथियार सहित चोरी की 15 बाइक व 12 मोबाइल बरामद किए थे। एडी डीसीपी नॉर्थ सेकंड धर्मेंद्र सागर ने बताया कि डकैती डालने आए बदमाश मोहम्मद इब्राहिम उम्र 22 वर्ष निवासी नाहरी का नाका शास्त्री नगर, रिजवान उर्फ सद्दाम उम्र 30 वर्ष और सैफ अली खान उम्र 23 वर्ष, मलिक अहमद उम्र 26 वर्ष व वसीम राजा उर्फ साध उम्र 30 वर्ष निवासी चौकड़ी चोपखाना हुजूरी रामगंज को अरेस्ट किया गया, जिनके कब्जे से एक तलवार, दो चाकू, लोहे का पाइप, प्लास्टिक रस्सी, एक थैली मिर्च पाउडर व 11 मोबाइल सहित 5 बाइक जब्त की गई थी। पूछताछ के बाद बदमाशों की निशानदेही पर चोरी की 10 बाइक और बरामद की गई है। पुलिस गिरफ्त में चढ़े पांचों बदमाशों के खिलाफ जयपुर शहर के विभिन्न थानों में करीब 10 से 12 केस दर्ज है। 5 जुलाई की दोपहर करीब 2:45 पर डीएसटी के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पाल व कांस्टेबल ओमवीर को मुखबिर से सूचना मिली थी। राजीव गांधी आवासीय योजना के निर्माणाधीन डुप्लेक्स क्वार्टर में हथियारबंद बदमाश मौजूद है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को क्वार्टर के बाहर 5 बाइक खड़ी मिली। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर क्वार्टर में मौजूद हथियारबंद 5 बदमाशों को पकड़ लिया। पूछताछ में बदमाशों ने कावंटिया सर्किल स्थित खंडेलवाल ज्वेलर्स के डकैती डालने की प्लानिंग करना कबूल किया। लोग हैं सदस्य, उनके खिलाफ विभिन्न थानों में काफी केसेस चल रहे हैं। जो उनका मोहम्मद इब्राहिम नाम के व्यक्ति है, उसके लगभग 11 केस ऐसे ही है। दूसरा सैफ अली है, उसके 16 केसेस हैं और प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ किसी न किसी थाने में दर्ज है। ये पूर्व में भी इस प्रकार की लूट, नकबचनी, छीना छपटी, NDPS इत्यादि केसेस में लिप्त रहे हैं।